हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनो एसबीआई ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से यूनो एसबीआई एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पर देखिए, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट, इंस्टेंट लोन, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नया अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं एसबीआई में। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर एक्टिवेशन कोड के थ्रू आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको तीन स्टेप फॉलो करने होंगे, उसके बाद आप इसमें यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एटीएम कार्ड के जरिए लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी होगी, उसके जरिए आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, तो मैं इसे यहाँ पर यस कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना होगा, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास रेफरल कोड है तो टाइप कर दीजिए, वरना रहने दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है इसको आप चेक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एम पिन सेट करना होगा, तो यहाँ पर मैं एक एम पिन सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एम पिन सेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद यहाँ पर गो टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एम पिन के जरिए कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़र आईडी के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एम पिन से लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पर मैं एम पिन टाइप कर देता हूँ जो मैंने सेट किया था। तो मैंने यहाँ पर एम पिन टाइप कर दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये ओपन हो गया है, कुछ इस तरह का इसका यूज़र इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ पर ड्यू बैलेंस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूनो पे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्विक ट्रांसफ़र, आप यहाँ पर 25,000 रुपये तक बिना बेनिफिशरी ऐड किए इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट में अगर आप अदर बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहां से बेनिफिशरी ऐड करके आप यहां से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहां पर आप बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहां यूनो कैश पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अगर आप बिना एटीएम के एटीएम मशीन से पैसे निकालना चाहते हैं तो वो यहां से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि आप 20,000 रुपये तक बिना एटीएम के एटीएम से ही पैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर जितना भी अमाउंट निकालना है तो आप यहां पर टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैं 500 टाइप कर देता हूं। उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर 6 डिजिट का एक पिन सेट करना होगा, जब आप पैसे निकालेंगे तो वहाँ पर आपको ये पिन डालना होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर पिन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म और कंडीशन दी गई हैं, यहाँ पर आप इन्हें चेक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ कंफर्म पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक ट्रांजैक्शन नंबर आएगा। उसके बाद आप अपने पास के एटीएम में जाकर वहाँ पर यूनो कैश सेलेक्ट करेंगे और इस ट्रांजैक्शन नंबर को डालेंगे। उसके बाद आप अमाउंट चूज़ करेंगे, उसके बाद आप पिन नंबर डाल देंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं।
उसके बाद देखिए, अगर आप भीम यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर से अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो स्कैन करके आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर डीटीएच रिचार्ज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बिल पेमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखें, आपको यहाँ पर अकाउंट पर अगर आप जाते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एफडी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आप यहाँ पर नीचे क्रिएट फिक्स डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। ये देखिए, कार्ड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहां से। उसके लिए आप यहां पर ये देखिए, यहां पर गेट ए न्यू एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां से इंश्योरेंस का भी ऑप्शन यहां पर है। उसके बाद देखें, यहां पर शॉप एंड ऑर्डर का भी यहां पर ऑप्शन है और यहां पर बेस्ट ऑफर है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि योनो एसबीआई को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।